है, सो दिस इज डे सिक्स ऑफ PT365 डिस्कशन ऑफ एनवायरमेंट. सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक विच वॉज अदर रिलेटेड न्यूज़. देखते हैं रिगार्डिंग टाइगर कंजर्वेशन. तो पहले इसमें देख लो, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व DKTR अभी से NTCA से फाइनल अप्रूवल मिला है. अब इसको भी हम लोग एक टाइगर रिजर्व बनाएंगे, ठीक है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को. कहाँ पे पड़ता है? तो धौलपुर सुना ही होगा सभी ने, है ना. हाँ, UPSC का इनफैक्ट जो ऑफिस है वो भी धौलपुर हाउस नाम से ही जाना जाता है. तो ये लोकेशन धौलपुर का है. धौलपुर इज इन राजस्थान, ठीक है. राजस्थान का ये जो यूपी से टच होने वाला जो बॉर्डर है वहाँ पे धौलपुर पड़ता है, राइट. धौलपुर करौली ये रीजन, यहाँ पे अब नेक्स्ट टाइगर रिजर्व बनेगा और अभी उसको NTCA से अप्रूवल मिल गया है, राइट. इसके अलावा कुछ और रिसेंटली अप्रूव्ड टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? दैट इज वीर रंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश. तो टाइगर रिजर्व आर नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द एडवाइस ऑफ NTCA अंडर द सेक्शन 38(5) ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है. तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है किसके एडवाइस पे? NTCA. और यहाँ पे हमने देखा NTCA ने अप्रूवल दिया है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को, राइट. और ये बनता कौन से एक्ट के अंदर है? तो WPA एक्ट के अंदर हम जो है टाइगर रिजर्व बना सकते हैं, राइट. अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और जो एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है वो क्लियर करता है NTCA का इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू डिक्लेयर सम टाइगर रिजर्व, राइट. तो NTCA का अप्रूवल मिल गया और फाइनली फिर उसके ऊपर एक तरीके से स्टैम्प या उसको पास करने का जो काम है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट करता है. तो अभी रिसेंटली जो NTCA का जो अप्रूवल मिला था इससे पहले जो टाइगर रिजर्व था विच वॉज कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान एज द टाइगर रिजर्व, ठीक है. तो कुंभलगढ़ इज ऑल्सो फेमस एज द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, है ना. सभी को पता होगा यहाँ पे एक किला है या फोर्ट है जिसके इतनी लंबी वॉल है दैट इट इज़ रिफर्ड टू एज द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, ठीक है. अराउंड 38 to 50 किलोमीटर लंबा एक स्ट्रेच है जिसके ऊपर पूरा फेंसिंग करा हुआ है, एक वॉल बनाया हुआ है, राइट. तो ये भी एक खास बात है उस कुंभलगढ़ रीजन के बारे में. तो वहाँ पे ऑलरेडी ये जो कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था इसको भी टाइगर रिजर्व के तौर पे अप्रूवल मिल चुका है, ठीक है. अब थोड़ा धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के बारे में देख लेते हैं. तो ये दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं राजस्थान के जो कि बॉर्डर करते हैं MP और UP का जो एरिया है उसको बॉर्डर करते हैं. तो अब टोटल टाइगर रिजर्व राजस्थान में कितने हो गए? वी हैव 5 टाइगर रिजर्व फ्रॉम राजस्थान. तो इसके अलावा कौन कौन से टाइगर रिजर्व थे? तो रणथंबोर था, सरिस्का था, मुकुंद्रा हिल्स एंड रामगढ़ विषधारी. सबसे रिसेंटली जो राजस्थान में टाइगर रिजर्व बना है वो रामगढ़ विषधारी है. अब उसके बाद ये फिफ्थ वाला होगा धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ठीक है. तो ये चीज़ पता होना चाहिए. इस रीजन की बात करें तो यहाँ पे आपको जो वेजिटेशन है वो ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट की देखने को मिलेगी. ये आप दिमाग भी लगा सकते हो कि राजस्थान वाला ये वाला जो रीजन है थोड़ा सा कंपेरेटिवली यहाँ पे जो वेजिटेशन है थोड़ी सी ग्रीन है बट बहुत ज़्यादा भी ग्रीन नहीं है. फॉर दैट रीज़न ये ड्राई डेसीडेस की कैटेगरी में आ जाता है. और यहाँ से चंबल रिवर जो है वो गुजरती है, ठीक है, क्लोज विसिनिटी में. अब फ्लोरा फौना क्या है वो काम का नहीं है हमारे लिए, बट इतना पता होना चाहिए धौलपुर करौली कहाँ है, कोई रिवर वगैरह उसमें से गुजरती है तो वो पता होना चाहिए, ठीक है. अब आगे चलते हैं. नेक्स्ट देखो टाइगर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट. ट्रांसलोकेशन मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाना उनको. तो अभी ये पहला प्रोजेक्ट जो चल रहा था ट्रांसलोकेशन का वो फेल हो गया, ठीक है. तो अब क्यों फेल हो गया वो काम का नहीं है. हाँ, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कौन सा टाइगर रिजर्व की बात हो रही थी यहाँ पे. तो सतकोशिया टाइगर रिजर्व है यहाँ पे. कोई बता सकते हैं सतकोशिया कौन से रिवर के ऊपर पड़ता है? नहीं आइडिया. सतकोशिया गॉर्ज के बारे में सुना? सतकोशिया गॉर्ज, ठीक है. तो याद रख लेना महानदी ये. होगा क्या? हाँ करेक्ट, महानदी. महानदी रिवर के ऊपर है, राइट. सतकोशिया गॉर्ज पढ़ते हैं. गॉर्ज याद ही होगा ना, मतलब पैरेलल हो जाती है जब एक पहाड़ी की जो दीवारें हैं वो पैरेलल हो जाती है बिकॉज ऑफ द कटिंग एक्शन या इरोजन ऑफ द रिवर, ठीक है. तो महानदी काटती है. ये सतकोशिया जो है ये इसी के अराउंड पड़ता है और उड़ीसा के अंदर है, ठीक है. तो हम लोग एक्चुअली टाइगर्स फ्रॉम कान्हा टाइगर रिजर्व एंड द बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व विच वर इन MP वहाँ से टाइगर्स को रिलोकेट करे थे बट वो फेल हो गया प्रोजेक्ट, ठीक है. वो क्यों हो गया फेल वो काम का नहीं है, बस ये लोकेशन बता होनी चाहिए. आगे चलते हैं. नेक्स्ट देखो IUCN's इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट और टाइगर प्रोग्राम. तो अभी इसका
कॉन्सेप्ट नोट्स फॉर द फेज फोर ऑफ प्रोग्राम चालू है, अगेन काम का नहीं है, बट इट एक्सपेंस इट फोकस टू इंक्लूड अदर पेंथ्रीन स्पीशीज। तो कल भी मैंने बताया था जब हम ये टाइगर की जो स्पीशीज होती है ठीक है, अगर उसे फैमिली बोले तो वो पैंथर फैमिली में आती है ठीक है, टिग्रिस पैंथेरा बोलेंगे। तो इस फैमिली में और भी बिग कैट्स आते हैं जैसे लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, इसके अलावा लॉयन भी आ जाता है इसके अंदर राइट। लेकिन याद रखना चीता इस फैमिली से नहीं बिलोंग करता, चीता इज ऑल टुगेदर डिफरेंट स्पीशीज, मतलब ऑल टुगेदर डिफरेंट फैमिली इन इनफैक्ट। और हम लोगों ने देखा था चीता जो है वो पर करता है, चीताज डोंट रोर ठीक है, वो धाड़ते नहीं है, वो जो बिल्ली करती है ना पुर पुर वैसा वो पर करता है ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम, तो ओवरऑल देखा गया कि 60% वर्ल्ड के अंदर जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है। एंड ये जो रिपोर्ट थी दिस वॉज सबमिटेड ड्यूरिंग द ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम 2.0 ठीक है। और ये जो ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम है ये 13 कंट्रीज़ के अंदर चल रहा है राइट, तो ये पता होना चाहिए। और ज़्यादातर मतलब जो टाइगर्स हैं वो एशिया रीजन में ही मिलते हैं ठीक है, तो या तो मेजरली हमारे पास रॉयल बंगाल टाइगर जो कि इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलता है, इसके अलावा साइबेरियन टाइगर है जो कि रशिया और रशिया का जो साइबेरिया का जो रीजन है वहाँ पर मिलता है ठीक है, तो ये बताना चाहिए। दिस ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव वॉज इवॉल्व बाय द सेंट पीटरबर्ग डिक्लेरेशन राइट। तो ये सारे जो सेंट पीटरबर्ग डिक्लेरेशन हो गया, TX2 हो गया, ये सारे टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड है, ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो प्रोजेक्ट चीता, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है बिकॉज यूपीएससी की आदत है जब जिस साल वो ज़्यादा न्यूज़ में होता है उस साल नहीं पूछता, उसके अगले साल पूछ लेता है ठीक है। तो अब चीता वाली बात थोड़ी सी कम करंट अफेयर्स में की जाती है, फॉर दैट रीज़न हम लोगों के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है चीता के बारे में जानना ठीक है। तो चीता के लिए अभी एक NTCA ने कमेटी फॉर्म करी है, स्टेयरिंग कमेटी, स्टेयरिंग कमेटी मतलब जो ये जो प्रोजेक्ट चीता को एग्जीक्यूट करने का काम करेगी। तो NTCA हैज फॉर्म द चीता प्रोजेक्ट स्टेयरिंग कमेटी टू कीप अ वॉच ऑन प्रोजेक्ट चीता राइट। सो इसमें 11 मेंबर्स होंगे जो कि ओवरसी करेंगे प्रोजेक्ट चीता को फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स राइट। अब प्रोजेक्ट चीता के बारे में बात कर लेते हैं, तो आपको पता है इंडिया के अंदर जो चीतास थे दे बिकम एक्सटिंक्ट इन 1952 राइट। तो एकमात्र हम बोल सकते हैं लार्ज वाइल्ड मेमेलियन स्पीशीज दैट वेंट इनटू एक्सटिंक्शन आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले तो बहुत सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई, बट इंडिपेंडेंस के बाद ये पहली मैमल लार्ज मैमल स्पीशीज बोल सकते हैं विच बिकेम एक्सटिंक्ट ठीक है। तो ये इसके बारे में पता होना चाहिए। इंडिया में किस टाइप की वैरायटी मिलती थी चीता की, तो वो एशियाटिक चीता थे ठीक है। और अभी हम ये जो प्रोजेक्ट चीता है इसके अंडर से जो चीता लेके आए हैं दे आर अफ्रीकन चीता। तो कौन कौन सी कंट्रीज से आए हैं, तो अपने को बताना चाहिए साउथ अफ्रीका और नामीबिया दो कंट्रीज़ हैं जहाँ से हम लोगों ने चीता को हमारी कंट्री में लेकर आए हैं फॉर द रिलोकेशन प्रोजेक्ट राइट। अब इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है इस प्रोजेक्ट को, तो NTCA इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। और इस प्रोजेक्ट की जो पूरी की पूरी फंडिंग है ये प्रोजेक्ट टाइगर से आ रही है और कैंपर फंड से आ रही है। तो कैंपर फंड आपको पता है जब भी कोई इंडस्ट्री किसी फॉरेस्ट को डाइवर्ट करती है फॉर सम अदर नॉन फॉरेस्ट यूज़, तो वहाँ पे उन्हें कुछ पैसा जो है गवर्नमेंट को देना पड़ता है। ये पैसा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को जाता है और उस पैसे को हम ये जो है कैंपर फंड में डालते हैं ठीक है। और वहाँ से फिर फर्दर कोई एफॉरेस्टेशन का काम किया जा सकता है राइट। तो ये था बेसिक बेसिक डिटेल अबाउट द चीता प्रोजेक्ट। अब ये चीता प्रोजेक्ट के अंदर आपको पता है बहुत सारे चीता मरे भी, मतलब इंडिया में लाने के बाद डेथ भी होगा कई सारे चीताओं का, और कई सारे चीता है उन्होंने ब्रीड भी कर लिया ठीक है। तो अब नए नए चीता भी आ गए हैं इंडिया में, तो वो काम का नहीं है कि कितना चीता रहे कितने चीता बॉर्न हुए ठीक है, दैट इज़ नॉट ऑफ एनी यूज़ टू अस। अभी तक प्रोजेक्ट में अगर सक्सेस की बात करें तो जो 6 क्राइटेरियाज थे उसमें वी हैव मेट 4 क्राइटेरियाज, मतलब 4 क्राइटेरियाज जो है उसमें हम सक्सेसफुल रहे हैं। जैसे 50% सर्वाइवल ऑफ द इंट्रोड्यूस चीता, मतलब जो चीता इंट्रोड्यूस किए गए थे उनमें से एटलीस्ट 50% आर सर्वाइविंग। नेक्स्ट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ होम रेंज, उनका एक होम रेंज बन जाए। नेक्स्ट था बर्थ ऑफ कब्स, और नेक्स्ट है रेवेन्यू टू द लोकल कम्युनिटी। रेवेन्यू टू द लोकल कम्युनिटी इन द सेंस कि यहाँ पे अगर सफारी होगा ठीक है, तो उससे वो जो लोकल कम्युनिटीज़ है उनको भी कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, या उनके प्रोटेक्शन में, चीता के प्रोटेक्शन में भी ये लोकल कम्युनिटीज़ हेल्प कर सकते हैं, तो उस तरीके से भी उन्हें एक रेवेन्यू का गेन होगा ठीक है। इन दैट सेंस ये 4 क्राइटेरियाज में सक्सेस हुआ है, 2 क्राइटेरियाज फेल हुए हैं, बट वो जानने की जरूरत नहीं किसमें फेल हुए हैं, बस ये जान लो
इट्स मोर देन सफिशेंट। इसके अलावा कुछ और एरियाज हैं वहाँ पे भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करें ताकि आगे फ्यूचर में वहाँ पे भी रिलोकेट किया जा सके इन चीताज को, ठीक है। जैसे नौरादेही है एंड गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बोथ ऑफ दीज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर लोकेटेड इन MP, ठीक है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट एक कैप्टिव ब्रीडिंग और कंजर्वेशन सेंटर बना रही है बन्नी ग्रासलैंड्स के अंदर, तो कोई बता सकता है बन्नी ग्रासलैंड किस लिए फेमस है? नहीं आइडिया, वहाँ पे है इसका लोकेशन, ये बता सकते हो? गुजरात करेक्ट, हाँ गुजरात में या वो कच्छ रीजन के आसपास, राइट। यहाँ पे एक ट्राइब भी रहती है मालधारी, करेक्ट, मालधारी ट्राइब है यहाँ पे, वो पता होना चाहिए। तो ये इस रीजन के अंदर कैप्टिव ब्रीडिंग, मतलब वहाँ पे एक क्लोज्ड एरिया के अंदर उन्हें ब्रीड किया जाएगा ताकि उनकी पॉपुलेशन बढ़ सके, ठीक है। तो इसमें जानने लायक चीज़ थी। आगे चलते हैं, अब डिफरेंस देख लेते हैं अफ्रीकन और एशियाटिक चीता में। तो अपने को एक तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, एशियाटिक चीता केवल अब एक कंट्री में लोकेटेड है, विच इज़ इन ईरान, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए केवल ईरान में लोकेटेड है, पहले इंडिया ईरान के पास ही गया था क्योंकि कहीं ना कहीं एशियाटिक चीता एशियाटिक लैंडस्केप के अकॉर्डिंग सूटेड ज़्यादा रहेगा, बट फिर ईरान ने डिनाई कर दिया जिसकी वजह से हमें फिर अफ्रीका से ये चीता लाने पड़े, ठीक है। तो याद रख लेना एशियाटिक चीता, दोनों ये जो चीता हैं अपेंडिक्स वन में आते हैं साइट की, मतलब इनका जो है ट्रेड नहीं किया जा सकता, बट इंडिया क्योंकि एक रिलोकेशन प्रोजेक्ट के लिए या रिसर्च पर्पस के लिए हम लोग इन्हें लेके आए हैं, फॉर दैट रीजन दैट ट्रेड वॉज अलाउड, ठीक है। अब ये जो एशियाटिक चीता हैं दीज आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और जो अफ्रीकन चीता है दे आर वल्नरेबल, ये डिफरेंस पता होना चाहिए दोनों के बीच में। अफ्रीकन जो चीता है वो आपको बहुत सी कंट्रीज में मिल जाएंगे, लाइक द साउथ अफ्रीका, नामीबिया, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में कंट्रीज़ हैं, ईस्ट अफ्रीका में, इन कंट्रीज़ में आपको ईजिली अफ्रीकन चीता मिल जाएगा, राइट। अगर साइज़ में कंपैरिजन करें एशियाटिक और अफ्रीकन चीता का, तो एशियाटिक चीता स्मॉलर है एज़ कम्पेयर टू अफ्रीकन चीता, और ये आप एक थंब रूल बना लो, 99% जो स्पीशीज़ अफ्रीका और एशिया में कंपेयर करोगे अफ्रीकन हमेशा स्पीशीज़ बड़ी मिलेगी, ठीक है, इंडियन या एशियन स्पीशीज से, बस एक एक्सेप्शन मिलेगा जो हम आगे देखेंगे थोड़ी देर के बाद में बताऊंगा, बट अभी के लिए बस इतना याद रखो ज़्यादातर केसेस में अफ्रीकन जो स्पीशीज़ होगी वो एशियाटिक स्पीशीज से बड़ी ही होगी हमेशा, ठीक है। चाहे एलिफेंट ले लो, चाहे लायन ले लो, चाहे आप ये चीता ले लो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर फूड इनटेक की बात करें तो ये जो अफ्रीकन चीता है इसका एक डाइवर्स डाइट है बिकॉज ऑफ अ बिगर हैबिटेट, लेकिन जो एशियाटिक चीता है क्योंकि वो एक बहुत लिमिटेड रेंज में मिलता है तो इसलिए उसका जो डाइट है वो भी थोड़ा लिमिटेड है, और जनरली मीडियम साइज प्रे को ये प्रे करता है या फिर फीड करता है उनके ऊपर, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। अब चीता एक फ्लैगशिप स्पीशीज है, फ्लैगशिप और अम्ब्रेला, अम्ब्रेला कल बताया था, मतलब ये वाली जो स्पीशीज का अगर कंजर्वेशन करता है तो सारी जो बाकी स्पीशीज है इकोसिस्टम में कहीं ना कहीं उनका भी प्रिजर्वेशन होगा या कंजर्वेशन होगा। फ्लैगशिप स्पीशीज मतलब एक तरह का सेलिब्रिटी स्पीशीज है, इसके बिहाइंड आप कैंपेन्स रन कर सकते हो, पीपल कैन ईजिली कनेक्ट विद सच सेलिब्रिटी स्पीशीज, राइट। तो ये फ्लैगशिप स्पीशीज का दर्जा मिलता है इसको, राइट। इसके अलावा एपेक्स प्रेडेटर है, ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं जब हम एनवायरमेंट इकोलॉजी में चीज़ों को देखते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड मैमल है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी जानते हैं। इसके अलावा डायूरेनल है, मतलब दे कैन हंट ड्यूरिंग द डे एंड ड्यूरिंग द नाइट ऑल्सो, राइट, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अनलाइक अदर कैट्स दे डोंट रोर, और क्या करते हैं इसकी जगह पर बोलते हैं, पर मतलब जैसे कैट करती है ना पर, तो वैसे चीता पर करता है, ठीक है। तो ये था इसके बारे में जानने लायक चीज़ें। कुछ और चीज़ें देख लो, जैसे जस्टेशन पीरियड 93 डेज का है। अब ये फालतू सी इन्फॉर्मेशन पढ़नी इसलिए ज़रूरी है बिकॉज UPSC ने एक बार एलिफेंट का जस्टेशन पीरियड पूछ लिया था, राइट, और वो कैसे रहता है क्या करता है वो सब चीज़ें पूछ रही थी, फॉर दैट रीज़न थोड़ा देख लो, मे बी उसी पैटर्न पे कभी कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए। इसके अलावा थ्री मेन सोशल ग्रुपिंग रहती है चीता की, जैसे फीमेल और उसके कब, मेल कोलिएशन होती है, ठीक है, मेल ग्रुपिंग होती है, राइट। जनरली टाइगर वगैरह में तो नहीं देखने को मिलती है, टाइगर हमेशा सोलो जाता है, बट ये वाले जो जानवर हैं कभी कभी आपको कोलिएशन में या ग्रुपिंग्स में दिखेंगे, और कभी कभी सॉलिटरी मेल्स के तौर पर भी घूम सकते हैं, ठीक है। इतना ही जानने लायक है, इससे ज़्यादा कुछ काम का नहीं है इसमें।
आगे चलो नेक्स्ट देखो, प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज 30 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट को भी, और प्रेसिडेंट ने इस दौरान गज उत्सव में पार्टिसिपेट किया था एट द काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं डिफरेंट टाइप के जो प्रोटेक्टेड एरिया हैं हमारे असम स्टेट के अंदर, राइट। तो अगर आपको कभी ऐसा आ जाए कि ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करो ये नेशनल पार्क्स ऑफ असम, तो आपको पता होना चाहिए मानस जो है सबसे वेस्टर्न साइड पे पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ओरांग है, फिर नामेरी है, फिर काजीरंगा है, और फिर डिब्रू साइखोवा है, ठीक है। तो ये सारे पता होने चाहिए, कभी भी लोकेशन भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। सो ये थी लोकेशन, डिब्रू साइखोवा एकदम ईस्टर्न एंड ऑफ असम में लोकेटेड है और ऑलमोस्ट जो अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर है उसको टच करता है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। अब काजीरंगा के बारे में बात कर लेते हैं। तो दिस इज लोकेटेड ऑन द एज ऑफ द हिमालयन ईस्टर्न बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, और ये स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो गोलाघाट और नगांव डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ठीक है। एक बार यूपीएससी ने ऐसा ही एक डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया था अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ, कौन सा स्पीशीज था, एक बर्ड का ग्रेट स्पीशीज है इंडियन ना, बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हाँ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, डेजर्ट नेशनल पार्क। हाँ डेजर्ट नेशनल पार्क। तो उसके बारे में ना दो डिस्ट्रिक्ट्स थे, ठीक है, उनके बारे में पूछ लिया था कि ये इन्हीं में लोकेटेड है कि नहीं है, राइट। तो इसलिए ये डिस्ट्रिक्ट विस्ट्रिक्ट भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि ये न्यूज़ में है इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट को। तो याद रखना गोलाघाट और नगांव डिस्ट्रिक्ट, ये बेसिकली काजीरंगा नेशनल पार्क उसके अंदर पड़ता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने बात करी बायो डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की, तो आप मेरे को बताओ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को कैसे डिफाइन करते हैं, क्या क्राइटेरिया है टू डिफाइन अ एरिया एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। स्पीसीज रिचनेस एंड हाई एंडेमिज्म, और थोड़ा डिटेल कुछ फैक्ट्स, इट शुड हैव मोर देन 1500 एंडेमिक प्लांट्स एंड सेकेंड नॉट लेस देन 30% ऑफ एनिमल्स और समथिंग लाइक, सॉरी 70%, हाँ मतलब ये सही बोला, 1500 वेस्कुलर प्लांट्स की वैरायटी होनी चाहिए, ठीक है, और 70% से ज़्यादा जो उसका एरिया है या जो बायोडाइवर्सिटी हैज़ बिन लॉस्ट, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हैज़ बिन लॉस्ट, या इसको उल्टा लिख दूँ कि 30% रिमेनिंग है ना, तो कन्फ्यूज़ मत हो ना, रिमेनिंग लिख दिया या 70% बायोडाइवर्सिटी लॉस्ट लिख दिया, दीज मीन सेम थिंग, ठीक है। ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का क्राइटेरिया होता है, और इंडिया में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं चार है ना, फोर बताओ, नाम बता दो भाई। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में चार है ना, इंडिया दक्षिण में 4 हैं, वेस्टर्न घाट, हिमालयाज और ईस्टर्न हिमालयाज, हाँ मतलब मैं बता देता हूँ, एक तो वेस्टर्न घाट हो गया, हिमालयाज टोटल हो गया, ठीक है, पहले ईस्टर्न वेस्टर्न थे लेकिन अभी हिमालयाज बोलते हैं, और फिर इंडो बर्मा बोलते हैं, ठीक है। तो तीसरा हो गया इंडो बर्मा, चौथा हो गया सुंडरलैंड, कहाँ पड़ता है सुंडरलैंड, इट इंक्लूड्स निकोबार एंड इंडोनेशियन एंड मलेशियन आर्किपेलागो। करेक्ट। तो इंडो मलयन आर्किपेलेगो बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये चार जो है इंडिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, और अगर वो सब कॉन्टिनेंट वाला पॉइंट शायद इसी सेंस में आप कहना चाह रहे होंगे कि वहाँ पे और कंट्रीज इंक्लूडेड, ठीक है, इंडिया आता, तो इसलिए चार जो है इंडिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हम लोग मानते हैं, क्लियर। अब ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, कल आई थिंक हम लोगों ने देखा भी था, ठीक है। अब यहाँ पे रिवर कौन कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्रा जो है यहाँ से गुजरती है, डिफ्लू मोरा डिफ्लू एंड मोरा धानचरी, ये रिवर इसमें से गुजरती है, और क्योंकि ये थोड़ा सा हाइट पे है और रिवर्स भी अच्छे खासे हैं, फॉर दैट रीजन ये ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, राइट। ये पता होना चाहिए। स्पीशीज की बात करें तो काजीरंगा इज फेमस फॉर द ग्रेट इंडियन राइनोसोरस, ठीक है, और इसके अलावा टाइगर लेपर्ड्स एलिफेंट भी यहाँ पे मिलते हैं, बाकी जो प्लांट स्पीशीज है वो देखने की जरूरत नहीं है, आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट देखो प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो 1992 के अंदर ये चालू हुआ था, इसीलिए अभी हम 30 ईयर्स, कोई बोल रहे क्या कुछ, हाँ, यहाँ एक एडिशन है, जितने भी नेशनल पार्क दिए हुए हैं असम में, तो ये याद रखना कि सारे नेशनल पार्क से रिवर फ्लो करती है,
तो काजीरंगा, डिब्रू साइकोवा और ओरांग है। इन तीनों से ब्रह्मपुत्र है और नामेरी है, वहां से जियो भोरोली करके कुछ है, जिया भरोली। और मानस का तो मानस है, मानस का तो मानस नदी ही है। एक इधर राइमोना भी है ना, राइमोना नेशनल पार्क। हाँ वो अभी रिसेंटली बना था, राइमोना याद रख लेना, राइमोना भी है। और राइट आगे चलते उसका हैं। कोई संकोच रिवर, संकोच रिवर है क्या? एक सुनते हाँ राइट, संकोच रिवर है राइट, तो लिख देता हूँ मैं, संकोच रिवर है, ये भी याद रख लेना क्योंकि ये भी करंट अफेयर्स का ही पार्ट था, अभी रिसेंटली ही बना है। तो कितने हो गए, दो, एक दो तीन चार पाँच, और भी कोई बन गया क्या? अबे हाँ, दिहिंग पटकाई भी है, दिहिंग पटकाई भी है। दिहिंग पटकाई भी, तो सात नेशनल पार्क हैं, सात नेशनल पार्क, एक दिहिंग पटकाई भी है, ये भी आई थिंक शायद उसी के बॉर्डर पे ही लगता है, अपर असम में, दिहिंग पटकाई। चलो अब आगे चलते हैं, ज़्यादा डिस्कशन काम का नहीं है इस पे। और एडिशन ये हमने हॉटस्पॉट्स देखा है ना, होपस्पॉट्स करके कुछ है, तो कौन रिलीज करता है ये और कितने होपस्पॉट्स हैं इंडिया में? IUCN releases these hope spots. तो दो होप स्पॉट्स हैं इंडिया में, दैट इज अंडमान एंड लक्षद्वीप। ठीक है, अंडमान एंड, अंडमान एंड लक्षद्वीप, एंड क्या सिग्निफिकेंस है इनका? सर मतलब ये होप स्पॉट मतलब मिशन ब्लू के अंदर रिलीज किया गया है फॉर द स्टडी ऑफ ओशंस। ठीक है आगे चलते हैं फिर। देखो प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में बात करते थे, 30 इयर्स कंप्लीट हो गए, तो आप समझ ही सकते हो 1992 में बना था, बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। यहाँ पे फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस दिया जाता है ऐसे रीजन्स को जहाँ पे काफ़ी एलिफेंट की पॉपुलेशन है। राइट, प्रेजेंटली इंडिया के अंदर प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 22 स्टेट्स एंड यूटीज़ में हम लोग रन कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ अगर हम बोले एलिफेंट रिजर्व्स कितने हैं कंट्री में, तो आपको पता होना चाहिए 33 एलिफेंट रिजर्व है। इससे पहले हमने 55 टाइगर रिजर्व देखे थे। हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट रिजर्व कहाँ हैं, तो तमिलनाडु और असम में पाँच जो एलिफेंट रिजर्व है वो है, एंड दिस इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिफेंट रिजर्व। उसके बाद केरला एंड ओडिशा में है। वेस्ट बंगाल हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट कॉरिडोर्स। तो माइंड यू एलिफेंट रिजर्व और कॉरिडोर में डिफरेंस है। कॉरिडोर बेसिकली कलेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन डिफरेंट एलिफेंट हैबिटेशंस, ठीक है, या ये जो एलिफेंट रिजर्व्स हैं उनके बीच में कनेक्टिंग लिंक होता है। राइट, इसके अलावा 6 ट्रांसनेशनल कॉरिडोर्स भी हैं इंडिया और नेपाल के बीच में। आपको पता है इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है वो पोरस है, और पोरस है इस कारण उधर से वाइल्ड एनिमल्स जो है आ जा सकते हैं। इसके साथ साथ कई बार कुछ एंटी नेशनल या फिर स्मगलर्स भी उधर से क्रॉस कर जाते हैं इंडिया में बिकॉज ऑफ द पोरस बॉर्डर। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब एलिफेंट, इंडियन एलिफेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूपीएससी ने आई थिंक 2020 के अंदर शायद क्वेश्चन पूछा था इसके बारे में, पूरा एलिफेंट के बारे में भर के क्वेश्चन था। तो जैसे उसमें पूछ लिया इसका जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, जेस्टेशन पीरियड मतलब कितने समय तक वो जो बच्चा है वो जो फीमेल होती है उसके वूम्ब के अंदर रहता है, ठीक है, उसके यूट्रस में रहता है, उसको हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। तो ये लॉन्गेस्ट होता है ऑफ ऑल द मैमल्स, 18 से 22 मंथ्स, ठीक है, इतने में तो ह्यूमन का बच्चा पैदा होके भी एक साल का हो जाता है, ठीक है, उतने में इसका जेस्टेशन पीरियड ही होता है केवल। और ये जो एनिमल है एलिफेंट जनरली कॉलोनीज में रहते हैं विच आर लेड बाय फीमेल, ये भी क्वेश्चन था, ठीक है, यूपीएससी का एक स्टेटमेंट था। राइट, सो ये पता होना चाहिए। और इसके अलावा एक टर्म इस्तेमाल होता है कुमकी एलिफेंट्स। कुमकी एलिफेंट्स क्या होते हैं, दीज आर एलिफेंट्स विच आर इन कैप्टिव और जिन्हें ट्रेन किया जाता है ताकि उनकी मदद से वाइल्ड एलिफेंट्स जो है उन्हें ट्रैप किया जा सके, ठीक है, क्योंकि एक एलिफेंट जैसे जानवर उसको
पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, तो उसको पकड़ने के लिए हम लोग कुछ ट्रेंड एलिफेंट्स बनाते हैं, मतलब एलिफेंट्स में अगर बोले तो एलिफेंट्स ऑफिसर आप बोल सकते हो, ठीक है, वो हेल्प करते हैं हमारे फॉरेस्ट रेंजर्स को, तो एज टू ट्रैप सम वाइल्ड एलिफेंट्स जो कि कभी कभी ह्यूमन एरियाज में या ह्यूमन सेटलमेंट्स में आ जाते हैं, उन्होंने भगाने के लिए या उन्हें कैप्चर करने के लिए ये कुमकी एलिफेंट्स जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हैबिटेट की बात करें तो इंडिया में सेंट्रल साउदर्न वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ईस्टर्न इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया सब जगह ऑलमोस्ट मिलते हैं, कहीं ऐसा नहीं है कि कोई कमी है एलिफेंट्स की, खूब मिलता है एलिफेंट। अगर एलिफेंट की बात करें इंडिया के अंदर तो इंडिया इज़ होम टू मोर देन 60% ऑफ द ऑल वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स, ठीक है, जो एशियन वेराइटी है एलिफेंट्स की उसमें से 60% से ज़्यादा इंडिया के अंदर मिलते हैं, राइट। हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स कहाँ पे हैं, तो कर्नाटका में है, ये भी यूपीएससी का एक पीवाईक्यू का स्टेटमेंट था कि सबसे ज़्यादा एलिफेंट कौन से स्टेट में, तो सबसे ज़्यादा कर्नाटका में है, फॉलोड बाय असम एंड देन बाय केरला, ठीक है। अब इंडियन जो एलिफेंट है या जो एशियन एलिफेंट है वो काइट्स का अपेंडिक्स वन में आता है और आईयूसीएन स्टेटस में एंडेंजर्ड है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो ये स्केड्यूल वन में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, ठीक है, ये पता होना चाहिए। आगे देखो नेक्स्ट, अभी इसको स्केड्यूल फोर में डाल दिया गया बिकॉज उससे साइट से कंप्लाई करवाना है इसको, राइट। अब डिफरेंस की बात करें जो एशियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट में डिफरेंस क्या है उसके बारे में बात करते हैं, तो जो एशियन एलिफेंट है वो एंडेंजर्ड है, राइट, वेयर इज अफ्रीकन एलिफेंट में दो वेराइटीज़ हैं, सवाना एलिफेंट होता है और फॉरेस्ट एलिफेंट, राइट। तो जो सवाना एलिफेंट है वो एंडेंजर्ड है और जो फॉरेस्ट एलिफेंट है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ओवरऑल साइज़ की बात करें तो अफ्रीकन एलिफेंट आर लार्जर दैन द एशियन एलिफेंट, अगेन वही वाला रूल लागू होगा कि ज़्यादा जो है लार्जर जो हमेशा अफ्रीकन वेराइटी में मिलती है, ठीक है। अब लार्ज फैन शेप डियर्स होते हैं, ये ट्रिवियल डिटेल है, ठीक है, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आगे चलते हैं, ठीक है, इतना पता होना चाहिए। अब कुछ इनिशिएटिव जो कि इंडिया में रन हो रहे हैं रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट्स उनके बारे में जान लेते हैं। तो अभी एक AI बेस्ड सेंसर सिस्टम हम लोगों ने लॉन्च किया जिसका नाम है गजराज, गज मतलब एलिफेंट इन हिंदी, ठीक है। तो गजराज जो हम लोगों ने एक AI बेस्ड सेंसर सिस्टम बनाया है जो कि अराउंड रेलवेज जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उसके अराउंड डिप्लॉय किया जाएगा ताकि एलिफेंट की डेथ जो होती है वो प्रिवेंट की जा सके फ्रॉम द रेल एक्सीडेंट्स, ठीक है। इसके अलावा एलिफेंट्स का सेंसस कंडक्ट किया जाता है एवरी 5 ईयर्स, ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कोई काम का है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, स्टेट ऑफ राइनो 2023 रिपोर्ट, ये रिपोर्ट कौन निकालता है, तो इंडियन राइनो इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन है IRF, ये रिपोर्ट निकालता है स्टेट ऑफ राइनो 2023। तो वर्ल्ड के अंदर हमारे पास 5 टाइप के राइनो की वेराइटी है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक थंब रूल होता है कि अफ्रीकन वेराइटी हमेशा बड़ी होगी, बट इस केस में इंडियन वेराइटी बड़ी है, मतलब ये एक एक्सेप्शनल केस है जहाँ पे आपको एक इंडियन वेराइटी बड़ी या लार्जर देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू द अफ्रीकन वेराइटी, राइट। और वो कौन सी है, तो वो ग्रेट वन हॉर्न राइनो है, फॉर दैट रीजन इसके आगे इसकी बहुत बड़ा एक नेम जुड़ जाता है या एक एडजेक्टिव जुड़ जाता है विच इज़ द ग्रेट वन हॉर्न राइनो, क्योंकि साइज में काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो ग्रेट वन हॉर्न राइनो के बारे में भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या आगे डिस्कस करेंगे। तो ग्रेट वन हॉर्न राइनो इसकी IUCN स्टेटस वल्नरेबल है और स्टेटमेंट ऐसा पूछा था ग्रेट वन हॉर्न राइनो इज फाउंड ओनली इन इंडिया, तो फॉल्स है, ये और भी रीजन्स में मिलता है, ठीक है, क्योंकि इंडिया का जो पोरस बॉर्डर है इस कारण ये नेपाल और भूटान और कभी कभी बांग्लादेश में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, तो ये बताना चाहिए। नेक्स्ट अफ्रीकन वेराइटीज़ हैं हमारे पास, वाइट राइनो विच इज नियर थ्रेटेंड और ब्लैक राइनो विच इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है। नेक्स्ट उसके अलावा दो और एशियन वेराइटी है विच इज द जावन राइनो और सुमात्रन राइनो, ठीक है। जावन राइनो का अगर IUCN स्टेटस की बात करें तो दिस इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड और सुमात्रन राइनो भी है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है, ये बताना चाहिए। अब ये तो हो गए 5 टाइप के राइनोज की बात, नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट के अंदर ये पता लगा कि जो ग्रेट वन हॉर्न राइनो है उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है इन इंडिया एंड नेपाल ऑल्सो, ठीक है, विच इज़ अ गुड थिंग। ब्लैक राइनो की जो पॉपुलेशन है वो भी इंक्रीज कर रही है, अगेन विच इज़ अ गुड थिंग। नेक्स्ट जो है वाइट राइनोज और जो सुमात्रन राइनोज जो हैं इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, तो ये थोड़ा चिंताजनक है।
ये थोड़ा सा याद रख सकते हो। बाकी लोकेशन मैंने बता दिया। एशियन जो राइनोज है वो कौन कौन से हैं, तो वो आपके पास ग्रेट वन हॉर्न राइनो है जो कि इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलता है। उसके बाद आपके पास है टू वेराइटीज़ जो कि अफ्रीका में मिलती है, विच इज़ ब्लैक और वाइट राइनो। ठीक है, जनरली जो राइनोज होते हैं इनकी विजन या इनकी जो आई साइट होती है वीक होती है, बट इनके पास एक बहुत स्ट्रांग सेंस होती है, सेंस ऑफ स्मेल होती है, राइट, तो वो कंपनसेट हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा जनरली इसकी बहुत पोचिंग होती है। पोचिंग का कारण क्या है? पोचिंग का कारण होता है इनका जो हॉर्न होता है दैट इज मेड अप ऑफ कैरेटीन। ठीक है, कैरेटीन मतलब हमारे बालों के ग्रोथ के लिए कैरेटीन जो है एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है जो चाहिए होता है, उसी क्रेटीन से इनका जो ये हॉर्न है वो बनता है। ठीक है, सो इट्स बेसिकली अ मॉडिफिकेशन ऑफ हेयर्स। वो हेयर्स धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जुड़ जाते हैं और एक हॉर्न का फॉर्म ले लेते हैं, राइट। तो याद रखना इट इज़ नॉट अ बोन, इट इज मेड अप ऑफ कैरेटीन जिससे कि बाल बनते हैं, और बाल धीरे धीरे इनके इकट्ठे होके उससे ये हॉर्न बन जाता है, राइट। और बहुत सारे जो ट्रेडिशनल मेडिसिन्स हैं उनमें इस हॉर्न को इस्तेमाल किया जाता है। फॉर दैट रीजन इस हॉर्न की वजह से इनकी काफ़ी लार्ज अमाउंट में पोचिंग होती है या हंटिंग होती है। इसके अलावा डिस्पाइट इट्स ह्यूमंगस साइज दीज आर एक्सेलेंट स्विमर एंड कैन रन वेरी फास्ट। ठीक है, तो कभी पीछे पड़ जाए तो फिर दिक्कत हो सकती है, राइट। अब वन हॉर्न राइनो की बात करते हैं तो लार्जेस्ट है ऑफ ऑल राइनो स्पीशीज। जनरली सॉलिटरी रहते हैं, मतलब अकेले रहते हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और इनकी जो जो स्किन है काफ़ी बोल सकते हैं डेंस होती है, जिस कारण काफ़ी प्रोटेक्टेड रहते हैं। ठीक है, और क्योंकि इनकी ये जो स्किन है ये बहुत ज़्यादा डेंस होती है, इसलिए अपने आप का टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए अपने आप को मिट्टी से कवर कर लेते हैं, और इस फिनोमेना को हम थर्मो रेगुलेशन बोलते हैं, ताकि ये ओवर हीट ना हो। और साइड्स की जो अपेंडिक्स वन है उसके अंदर ये आते हैं। IUCN स्टेटस इनका इंडिया में वल्नरेबल है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इंडिया में स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम चलता है, जिसके अंदर हम लोग 22 स्पीशीज का जो नंबर है उसको इंक्रीज करने का कोशिश करें। ठीक है, तो उसके अंदर भी ये राइनो हमें देखने को मिलता है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, हैबिटेट की बात करें तो इनिशियली ये ऑल अक्रॉस इंडिया मिलता था। इवन जो मुगल लिटरेचर है उसके अंदर इनके हैबिटेट्स के बारे में जानकारी मिलती है कि पंजाब तक मिलते थे। ठीक है, पंजाब के जो मार्शी एरियाज थे वहाँ तक ये मिलते थे, लेकिन अब ये जो है बहुत लिमिटेड रीजन में मिलते हैं। दीज आर लोकेटेड इन द एलुवियल तेराई दुआर सवाना एंड द ग्रास लैंड एंड रिवराइन फॉरेस्ट। ठीक है, तेराई आप लोगों को पता ही है, पहाड़ी से जब हम नीचे उतरते हैं या जब नीचे नदी नीचे उतरती है तो उस रीजन को हम लोग प्लेन वाले को हम तराई बोलते हैं, और इस तराई रीजन में जनरली आपको मार्शेस देखने को मिलते हैं। मार्शेस मतलब दलदल देखने को मिलते हैं। ठीक है, द्वार्स क्या होते हैं? ये फ्लैट रीजन्स होते हैं जो कि जनरली रिवर्स के अराउंड आपको देखने को मिलते हैं। तो इन रीजन्स में आपको देखने को मिलेंगे ये इंडियन राइनो। ठीक है, तो नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, इंडिया, इन सब के अंदर ये मिलते हैं। और अभी ज़्यादातर पॉपुलेशन इनकी आपको तीन स्टेट में मिलेगी, विच इज़ उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम। और लार्जली पॉपुलेशन इसकी असम में मिलेगी, और असम के अंदर भी काजीरंगा नेशनल पार्क है, उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इसकी देखने को मिलती है, राइट। अब इससे रिलेटेड कुछ कंजर्वेशन एफर्ट जो चल रहे हैं, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में थे, जो आपको पता होना चाहिए। दैट वॉज द इंडियन राइनो विजन 2020। तो ये एक जॉइंट प्रोग्राम है असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया और IRF, विच वॉज द इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन। तो ये सब मिलकर ये जो इंडियन राइनो विजन 2020 है इसको रन कर रहे हैं। ठीक है, इतने पार्ट में कोई एडिशन किसी को करना है तो बताइए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज बैन ऑन ड्रग्स हार्मफुल फॉर वल्चर्स। सो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, तो दिस बोर्ड हैज रिकमेंडेड अ बैन ऑन टू मोर ड्रग्स हार्मफुल टू वल्चर्स। पहले हमने पढ़ा था एसिक्लोफिनैक, डाइक्लोफिनैक बैन किया गया है। नाउ दे हैव बैन टू मोर ड्रग्स हार्मफुल टू वल्चर्स। DTA भी अग्री टू प्रोहिबिट ड्रग्स दैट इज कीटोप्रोफिन एंड एसिक्लोफिनैक फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लाइव स्टॉक। सो दीज टू आर कीटोप्रोफिन एंड एसिक्लोफिनैक। DTA भी क्या है? हाइएस्ट स्टैचुटरी डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑन टेक्निकल मैटर्स रिलेटेड टू ड्रग्स। सो इट इज पार्ट ऑफ CDSCO अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यहाँ आई विल जस्ट आस्क अ क्वेश्चन। सो दिस CDSCO दिस कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर।
So there is another body called NAPA, NPPA. So under which ministry does that come under? Ministry of Chemical and Fertilizer. Right. So drugs se related teen bodies hain. Please note down. One is CDSU, jo humne abhi dekha, which comes under Ministry of Health and Family Welfare. The other one is NAPA. So CDSCO is related to control of drugs. Matlab kis drug ko ban karna hai, nahi karna hai. That is regulated by CDSCO. And pricing of pharmaceuticals, that is done by NAPA, which is under chemical fertilizers. There is another drug related body, that is CDRI. So that is related to research. CDRI is Central Drug Research Institute. So that comes under Ministry of Science and Technology, under Department of Biotech. ठीक है? So these are the three bodies, main bodies of drugs. ठीक है, next पे चलते हैं. Right, under Department of Biotechnology. ठीक है. So next one is about drug ban. They have banned ketoprofen, aceclofenac, diclofenac, nimesulide. So these are, what are these? NSAIDs, that is non-steroidal anti-inflammatory drugs. So these are used as anti-inflammatory drugs or pain relieving drugs. So these are used under veterinary practice, and they have been proven toxic to vultures because veterinaries use it on cattle or the farm animals to relieve pain, and these vultures prey on these cattle, hence they become toxic to the vultures. Diclofenac is already banned by India. Some NSAIDs are not fully metabolized by vultures and cause damage to the bird's kidneys. So basically they affect the vulture's kidneys. ठीक है, अब vultures के बारे में देख रहे थे इंडिया में. There are 9 species of vulture that are found in India. इसका population, in this population of white-backed vulture, slender-billed vulture, long-billed vulture has been declining drastically. तो 9 vulture species देख लेते हैं क्या क्या है. इसमें से 4 important है, देख लेना. रेड, व्हाइट, इंडियन स्लेंडर, ऐसे याद रखना. रेड, व्हाइट, इंडियन स्लेंडर, तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है. ठीक है, एंड ई से याद रखना, इजिप्शियन, दैट इज ओनली एंडेंजर्ड, नीचे है. सो इजिप्शियन ई से एंडेंजर्ड, बाकी सब नियरली थ्रेटेंड या लीस्ट कंसर्न्ड है. ठीक है, सो दैट इज अबाउट द 9 स्पीशीज, एंड वल्चर्स आर पार्ट ऑफ स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम. ठीक है, so anything to be added here? Okay, moving on. Fungi recognition and conservation. So the Fungi Foundation through UN Biodiversity has urged people globally to use the word fungi whenever they say flora and fauna. So pehle flora and fauna bolte the, ab flora, fauna and fungi bolna chahiye, according to the UN Biodiversity. So about fungi or fungi, it refers to the levels of diversity of fungi in any given place. So they vary from single celled organisms to complex multicellular organisms. Iska distribution is from tropical, temperate to arctic region in both terrestrial and aquatic ecosystems. Threats kya hai iske liye? Loss of habitat and hosts, over exploitation, climate change and pollution. So these are the threats. Significance kya hai fungi ka? They're used in culinary, jaise mushrooms, and mycorrhizal. Can anybody tell me what is mycorrhizal? What does it mean? Roots mein they form symbiotic relations, aur usse wo khana provide karte hain, nitrogen fixation karte hain plant ke roots mein. I think in legumes. That's right. So it is a symbiotic relation between fungi and plants, which help in plants' nutrition. ठीक है. So then there is carbon reservoirs, decomposition and nutrient cycle, and mycoremediation and medicine. Another question over here, what is mycoremediation? Basically, जो degradation होता है waste product का, उसमें help करते हैं. तो एक bioremediation agent की तरह इस्तेमाल हो सकता है. Correct, exactly. So fungi is used to isolate or degrade contaminants in the soil. So that is mycoremediation. Next पे चलते हैं. Comparing flora, fauna and fungi. So kingdom flora belongs to plantae kingdom, fauna belongs to animalia, and fungi belongs to fungi.
एग्जाम्पल्स देख लेना, एल्गे, फ्लावर्स, ट्रीज, फ्लोरा में. फंजाई में देख लेते हैं, बाकी रहने देते हैं. मशरूम्स, मोल्ड्स एंड यीस्ट, सो दीज आर फंगा. इसमें मोबिलिटी में फ्लोरा इज इमोबाइल, फाउना इज केपेबल ऑफ मूवमेंट एंड फंगा इज ऑल्सो इमोबाइल जनरली. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दैट दे आर इमोबाइल. एंड रिप्रोडक्शन में दे फ्लोरा रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, स्पोर्स, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड फाउना थ्रू सेक्शुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फंगा थ्रू स्पोर्स और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, एंड रोल इन इकोसिस्टम्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर है फ्लोरा, फाउना इज कंज्यूमर, प्रे एंड प्रेडेटर एंड फंगा इज डिकम्पोजर्स. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. यहाँ पे कुछ ऐड करना है क्या इस टॉपिक में? हाँ, अगर ऐसा पूछा जाए आपसे स्टेटमेंट पूछा, ट्रू और फॉल्स, कि फंगीज आर यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर ग्रुप, तो ट्रू होगा फॉल्स होगा ये स्टेटमेंट? ट्रू, हाँ ट्रू है, ट्रू है, करेक्ट. तो याद रखना यूनिसेल्यूलर भी है, मल्टीसेल्यूलर भी है, तो ये थोड़ा सा यूनिक चीज है इनके बारे में. ठीक है, 2023 क्वेश्चन पूछा गया है अबाउट मशरूम्स. क्वेश्चन इज, सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, सम हैव साइकोएक्टिव प्रॉपर्टीज, सम हैव इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज एंड सम मशरूम हैव बायोलुमिनेसेंट प्रॉपर्टीज. तो इसमें हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ओनली फोर? तो मैं फिर से रिपीट करूं क्या, और हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? नहीं, सारे ही ट्रू है. करेक्ट, बेसिकली मतलब ऑलमोस्ट ऑल ट्रू है. सो दे हैव मेडिसिनल, psychoactive, insecticidal and bioluminescent. So all are true. ये थोड़ा easy question लग रहा है. ठीक है, moving on. Next one is export policy of red sandalwood. So DGTF, that is Directorate General of Foreign Trade. This is under Ministry of Commerce. ठीक है, DGTFT is under Ministry of Commerce. They have amended policy of red sandalwood sourced from privately cultivated land. तो important चीज यहाँ पे ये है. So they have amended the rules for sandalwoods which is sourced from privately cultivated land, not the ones in the wild. ठीक है, थोड़ा they have eased the rules. ठीक है, more about the news. Amendments issued under the power conferred by the Foreign Trade Act 1992 and Foreign Trade Policy 2023. So powers are conferred by Foreign Trade Act 1992 and FTP 2023. So इसमें Foreign Trade Policy In this FTP, import of red sanders is prohibited while its export is restricted. ये पहले था. तो earlier DGFT in 2019 has revised its export policy to permit export of red sanders in log form and roots if it is exclusively obtained from private cultivated land, including patta land. So यहाँ पहले export ban था, अभी you can export red sanders which is obtained from private cultivated land or the patta land. To sabko pata hai na what it is. Theek hai, so moving on. Recent amendment allows annual export quota for artificially propagated red sanders and zero export quota for wild specimens of red sanders. Again the same point ki ek annual export quota hai for artificially propagated red sanders and zero export quota for wild specimens. Wild mein export ban hai. Then about red sanders, IUCN status is endangered. Yaad rakhna hai, IUCN is endangered. WPA 1972 mein it is placed in schedule 4. Theek hai? So can somebody tell what is schedule 4 WPA mein? Presently to sites jo correct hum site implement karenge jis. That's right. So, and in sites, it is placed under Appendix 2. Appendix 2 का मतलब कोई बता सकता है क्या sites में? इसका trade जो है वो rare cases में ही कर सकते हैं, मतलब restricted है trade काफी. Correct. So, regulated trade है. ठीक है. So, habitat इसका Indian endemic tree species है. Important है that it is endemic to India. And with a restricted geographical location in Eastern Ghats, found in district tracts of forest in Andhra Pradesh. So, ye basically Andhra Pradesh ke Rayalaseema area mein milta hai, jahan pe it is a drought prone region. So, ye species bhi drought resistant hai, correct. Ye Pushpa movie mein humne dekha hai iske bare mein.
राइट सो मूविंग ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेना इसका. ये दिस वेरी स्लो ग्रोइंग ट्री स्पीशीज है. अटेन्स मैच्योरिटी इन 25 to 40 ईयर्स. अनदर थिंग इज रेसिस्टेंट टू ड्रॉट. ठीक है अभी हमने डिस्कस किया व्हाई इट इज ड्रॉट रेसिस्टेंट. ठीक है ऑल्सो नोन एज आलमग. इसके डिफरेंट नाम देख लेना तो रेड सैंडर्स, रेड सैंडर वुड, रक्त चंदना, लाल चंदन. सो दीज आर ऑल डिफरेंट नेम्स. देन इट हैज हाई डिमांड इन एशिया पर्टिकुलरली चाइना ड्यू टू इट्स थेरापेटिक प्रॉपर्टीज फॉर यूज इन कॉस्मेटिक्स, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स एंड हाई एंड फर्नीचर वुड क्राफ्ट. सो दीज आर द यूजेस ऑफ रेड सैंडर्स. ठीक है अभी साइट्स के बारे में देख लेते हैं. साइट्स में रेड सैंडर्स हैज बीन रिमूव फ्रॉम RST. What is RST? Review of Significant Trait. So what is Review of Significant Trait? It enables disciplinary action on countries which do not meet their obligations. तो पहले RST में था but अभी RST में से remove किया गया है Red Sanders को through CITES. ठीक है So CITES के बारे में देख ले. CITES is an international agreement between governments. Genesis, it's a resolution adopted in 1963. At a meeting of IUCN, members of IUCN, World Conservation Union. So, text agreed in 1973 and it has entered into force in 1975. ठीक है. Sites के appendices के बारे में देखते हैं. Appendix 1 में it contains most endangered species and इसका trade completely prohibited है, except in non-commercial import. ठीक है. And sites appendix 2 में not necessarily threatened. With extinction, but अगर trade चलता रहा तो मे बी दे आर लाइकली टू बी threatened. ठीक है देन द ट्रेड ऑथराइज बाई ग्रांटिंग एक्सपोर्ट परमिट ऑफ री एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट. सो ट्रेड थोड़ा परमिटेड है विथ परमिशन. ठीक है साइट्स अपेंडिक्स 3 में एट रिक्वेस्ट ऑफ पार्टी एंड कोऑपरेशन ऑफ अदर कंट्रीज. तो बेसिकली कंट्रीज को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा देन ट्रेड इन दो स्पीशीज will be allowed only with appropriate permits and certificates. That is about appendix 3. ठीक है इसका नीचे चलते हैं. Secretariat इसका administered by UNEP and this is located in Geneva, Switzerland. Objective इसका वही ensure international trade in specimens of wild animals and plants do not threaten the survival of species. 184 parties है. India is a member. इसका एक management authority है sites MA. In India, these management authorities are director of wildlife preservation, government of India. ठीक है. So sites complying projects है. ये Mike program है India में. And international collaboration that measures level trends and causes of elephant mortality. India में 10 Mike sites है. And this is legally binding. Sites is legally binding, and it does not take the place of national laws. And each party has to adopt its own domestic legislation according to sites. ठीक है इसमें कुछ ऐड करना है क्या? Right. 2019 में एक क्वेश्चन आया था वो बांबू को ट्री डिक्लेयर कर दिया था तब कि एक स्टेटमेंट आया था कि बांबू ग्रोन इन फॉरेस्ट एरिया कैन बी अलाउड टू बी फेल्ड फॉर कमर्शियल पर्पसेस. तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? Wrong. तो उन्होंने वो वर्ड स्वैप कर दिया था. बांबू ग्रोन ऑन प्राइवेट लैंड वाज अलाउड बट नॉट इन अ फॉरेस्ट लैंड. तो कुछ उसी पैटर्न पे इसमें भी चेंजेस हुए. तो रेड सैंडर्स ग्रोन इन प्राइवेट लैंड इज अलाउड फॉर एक्सपोर्ट बट नॉट इन द फॉरेस्ट. राइट ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं. Invasive alien species. So IPBES, Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystems. It has released the assessment report on invasive alien species and their control. So invasive alien species ke baare mein dekhte hain. They represent a subset of alien species known to have established any spread with negative impacts on biodiversity. Alien species mein animals or plants or other organisms that are introduced by human activities to new regions. So all alien species are not invasive and they can benefit from extreme weather. As per the report, invasive alien species are one of the 5 major direct drivers of biodiversity loss globally. Theek hai?
सो ये इन्वेसिव स्पीशीज का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? रैपिड रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ है इसका, हाई डिस्पर्सल एबिलिटी, ability to adapt physiologically to new conditions, ability to survive on various food types and in a wide range of environmental conditions. So these are the characteristics of invasive alien species. ठीक है, इसमें इसके बारे में global efforts क्या क्या लिया गया है? Invasive species specialist group, this comes under IUCN. So global network of scientific and policy experts on invasive species. It was established in 1994. ठीक है, and this is SSB is under IUCN. IPBES के बारे में देख लेते एक बार. It is not a UN body. Important चीज है. It's not a UN body. At the request of UN to UNEP, this has been created. Genesis, it is established in 2012. Committed to strengthening the science policy interface for the conservation and sustainable use of biodiversity, long-term human well-being and sustainability. UNEP provides secretariat services to IPBES. ये important है. So although it is not a body under UN, but its secretarial services are provided by UNEP. ठीक है. 144 member countries है. And related news, Asia Pacific Plant Protection Commission, APPPC. So APPPC is unanimously elected India as the chair of the standing committee on Integrated Pest Management IPM for Biennial 23-24 during the 32nd session in Bangkok. ठीक है, so this is APPPC, India को, it has selected India as a chair for the IPM, that is for pest management. ठीक है, intergovernmental organization that promotes cooperation among countries in Asia Pacific region to enhance plant health and protection. So that is about APPPC. Genesis kab hua iska? 1956 mein, as a regional body approved by the FAO. So dekh lena, APPPC, it is established under FAO. Okay, mandates, helps with the management of outbreaks of invasive species to promote safe agriculture trade. So that is about APPPC. Kuch include karna hai kya isme? Any question? Goldfish. अच्छा, मैं बस एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि गोल्ड फिश और हाउस स्पैरो में से इनवेसिव स्पीशीज कौन सा है? गोल्ड फिश. नहीं, एक्चुअली दोनों ही इनवेसिव स्पीशीज है. हाउस स्पैरो इज एक्चुअली नेटिव टू यूरेशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका. ये जो मैंने ये ग्रुप बताया था, इनवेसिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, इसके बारे में डायरेक्टली यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2023 में, राइट? सो क्वेश्चन देख लेते एक बार. देखो, इनवेसिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, तो डायरेक्टली सवाल पूछ लिया था, तो ये बस यही था कि ये डेटाबेस बनाता है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है. तो डायरेक्टली इस टाइप के छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन भी कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेते हैं, ठीक है? तो ये पता होना चाहिए, बस यही एडिशन था. मैम, कंटिन्यू कर सकते हो आप. राइट, नेक्स्ट पे ये थोड़ा इन्वेसिव स्पीशीज देख लेते हैं. फर्स्ट वन इज प्रोसोपिस चिलेंसिस. ठीक है, प्रोसोपिस चिलेंसिस, ये इट इज थ्रेटनिंग टू पल्वराइज नेटिव वेजिटेशन अक्रॉस 21 आइलैंड्स इन गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर. सो इट इज थ्रेटनिंग 21 आइलैंड्स नेटिव वेजिटेशन. व्हाट इज दिस प्रोसोपिस चिलेंसिस? सो इंडियाज फर्स्ट मराइन बायोस्फीयर रिजर्व, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिटेट्स फॉर कोस्टल बर्ड्स माइग्रेशन फ्रॉम आर्कटिक सर्कल. ठीक है, ये ड्रॉट रेसिस्टेंट प्लांट है एंड दिस इज नेटिव टू साउथ अमेरिकन कंट्रीज, सो अर्जेंटीना, बोलीविया, चिले एंड पेरू. ऑल्सो नोन एज चिलियन मिस्कीटा. तो ये नाम में ही है, चिलेंसिस मतलब चिले है. सो इट इज नेटिव टू साउथ अमेरिकन कंट्रीज. ठीक है, नेक्स्ट वन इज मस्कीटो फिश. अ न्यू स्टडी हैज रिवील्ड दैट टू स्पीशीज ऑफ मस्कीटो फिश, दैट इज गैम्बोजिया एफिनिस एंड गैम्बोजिया हॉलब्रुकी, have invaded various ecosystems across India. Ye widely introduced, so this is widely introduced worldwide as a form of biological mosquito control. Ye biological mosquito control ke liye introduced kiya gaya hai and it is native to US and its habitat is shallow waters, dense vegetation where larvae and pupae hide.
दिस इज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट इन इंडिया इन 1928 ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. तो 1928 में ही इंट्रोड्यूस किया है इसको, मस्किटो फिश. इट्स अ नेचुरल बायोलॉजिकल मस्किटो कंट्रोल. नेक्स्ट पे चलते हैं, कोनोकार्पस ट्रीज. सो दीज आर इन्वेसिव मैंग्रोव स्पीशीज रिसेंटली बैंड बाय गुजरात गवर्नमेंट. अर्लियर तेलंगाना गवर्नमेंट हैज ऑल्सो बैंड इट. अ जीनस ऑफ टू स्पीशीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ऑफ विंटर नेटिव टू ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. सो दिस इज बेसिकली एन ऑर्नमेंटल प्लांट यूज इन पब्लिक स्पेसेस. सो वॉट इज दिस कोनोकार्पस ट्रीज. ये गुजरात ने बैन किया है पहले, तेलंगाना ने भी बैन किया इससे पहले. नेक्स्ट वन इज लुडविगा लुडविजिया पेरुवियाना. लुडविजिया पेरुवियाना इन्वेसिव वीड. इट इज थ्रेटनिंग एलिफेंट हैबिटेट्स इन तमिलनाडु. ठीक है, एलिफेंट हैबिटेट्स इन तमिलनाडु आर बीइंग थ्रेटन्ड. दिस इज लुडविजिया पेरुवियाना. इन्फेस्टेड द मेजॉरिटी ऑफ हिल स्टेशन स्वाम्प्स लोकली नोन एज वायल्स. ठीक है, हिल स्टेशन स्वाम्प्स को वायल्स बोलते हैं. So this vials are being infested by this weed species. ठीक है, it is popularly known as prime rose willow. ठीक है, prime rose willow native of central and south American countries including Peru. तो ये भी देख लेना Peruviana. So it is native to Peru. Used as an ornamental plant for its tiny yellow flowers. And इसके tiny yellow flowers है. And among the 22 priority invasive plants in तमिलनाडु में 22 प्रायोरिटी इन्वेसिव प्लांट्स है. दिस इज वन ऑफ देम. नेक्स्ट वन इज रेड फायर एंट फाउंड इन यूरोप फॉर द फर्स्ट टाइम. नेटिव टू साउथ अमेरिका हाउएवर स्प्रेड इन यूनाइटेड स्टेट्स मेक्सिको करीबियन चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया. इम्पैक्ट क्या है इसके, फॉर्म सुपर कॉलोनीज विथ मल्टीपल क्वींस एंड हैज द एबिलिटी टू स्प्रेड रैपिडली फीड ऑन फाउना देन दैट नेस्ट और फीड ऑन द ग्राउंड इंक्लूडिंग इंसेक्ट स्पाइडर्स एटसेट्रा. इसके कम्युनिकेशन, दे कम्युनिकेट थ्रू chemical secretions and stridulation, sounds produced by rubbing of or drumming one body part against another. So stridulation kya hai, so this is sound produced by drumming of one body part against other. So this is their way of communication. This is red fire ant. Theek hai, next pe chalte hain. Anything to be added here? Theek hai. Moving on, red list of threatened species. So IUCN released updated red list. Isme 44,000 around 44,000 are threatened with extinction. This has been increased by 2,000 from last year. So increase hua hai threatened species. Saiga, this is an antelope which roamed the earth last ice age. So this has moved from critically endangered to near threatened. Theek hai? It has moved from critical endangered to near threatened. 25% of freshwater fish is at risk of extinction. Ye important hai. And 17% is affected by climate change. First global freshwater fish assessment has been released. And 4 freshwater subterranean fish species. Right. This is the antelope, Saiga antelope. Thank you, sir. Theek hai. Moving on, 4 freshwater subterranean fish species from Kerala. ये केरला से हैं. क्या क्या है, 3 are endangered, 1 is vulnerable. 3 endangered क्या है, Shaji's catfish, Abdul Kalam's blind cave catfish and Pangeo bhujia. ठीक है यार, याद रख लेना, एक Shaji, दूसरा Abdul Kalam, तीसरा bhujia. So these are endangered and एक vulnerable है, that is Gollum snakehead. Vulnerable is Gollum snakehead. Okay, this Saiga was found in Mongolia. Right. Then about red list, ye critical indicators of the health of the species mentioned in red list are critical indicators of health of world's biodiversity. Provides information about range, population size, habitat, ecology, use and trade, threats and conservation actions. क्राइटेरिया यूज टू डिटरमिन द रिस्क ऑफ द स्पीशीज इज पॉपुलेशन साइज. ये सब देख लेना यार, क्राइटेरिया क्या है, एक पॉपुलेशन साइज है, रेस्ट्रिक्टेड जोग्राफिकल रेंज है, स्मॉल पॉपुलेशन एंड डिक्लाइनिंग वेरी स्मॉल और लाइव्स इन अ रेस्ट्रिक्टेड एरिया एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एक्सटिंक्शन रिस्क. ठीक है, ये रेड लिस्ट कैसे कैटेगराइज करते हैं देख लेना. सो एक तो ऑल स्पीशीज दे आर इधर not evaluated or evaluated. Evaluated ke andar aayega data deficient
एंड एडिक्वेट डेटा. अब एडिक्वेट डेटा के अंडर हमारी कैटेगरीज आते हैं इन ऑर्डर ऑफ कंसर्न. पहले आता है लीस्ट कंसर्न, नेक्स्ट नियर थ्रेटेंड, देन वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड एंड एक्सटिंक्ट. ठीक है, तो इंक्रीजिंग रिस्क में के ऑर्डर में देख लेना. मूविंग ऑन अबाउट IUCN, ये 1948 में फॉर्म हुआ है. ग्लैंड स्विट्जरलैंड इज इट्स हेडक्वार्टर्स. मैंडेट एडवांस सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्रिएट अ जस्ट वर्ल्ड दैट वैल्यूज एंड कंजर्व्स नेचर. मेंबरशिप कंपोज्ड ऑफ बोथ गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन. इंपॉर्टेंट है कि इसमें सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन भी आते हैं IUCN के अंडर मेंबरशिप में. अदर रिपोर्ट इसका स्टेट ऑफ वर्ल्ड एम्फीबियंस, सेकेंड ग्लोबल एम्फीबियन असेसमेंट रिपोर्ट इसने रिलीज किया है. अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, व्हिच इज प्रोटेक्टेड एरियाज व्हिच हैव बीन न्यूज़ रिसेंटली. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट, स्टार्टिंग विद द अरुणाचल प्रदेश कामलांग टाइगर रिजर्व. कामलांग टाइगर रिजर्व रिसेंटली यहाँ पे एक बटरफ्लाई वॉक और एक नेचर ट्रेल जो था ऑर्गेनाइज किया गया था इन एसोसिएशन विद NGO. वो काम का नहीं है, क्या NGO का नाम था ये पता होना चाहिए. कामलांग टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, क्या इसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स है. तो जोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो ये लोहित डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का. तो यहाँ पे आप लोकेशन में देख सकते हो कामलांग टाइगर रिजर्व, तो एकदम ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश वहाँ पे लोकेटेड है. और ये लोहित डिस्ट्रिक्ट का भी रीजन पड़ता है. यहाँ पे आप देख सकते हो इसको, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलता है. यहाँ पे एक वाटरफॉल भी है, ग्लो लेक वाटरफॉल, जो कि इस एरिया में पड़ती है. इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है, ठीक है, ऑफ बर्ड इंटरनेशनल. तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल बेसिकली एक NGO है जो कि हेल्प करता है IUCN को इन कंपाइलिंग द लिस्ट ऑफ द बर्ड स्पीशीज, ठीक है. तो बर्ड स्पीशीज का जो डेटा है IUCN को ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है. अभी जो टाइगर रिजर्व है कामलांग टाइगर रिजर्व, इसका नाम कामलांग जो रिवर है उससे पड़ा है. इसके अलावा यहाँ पे तवा और लांग नाम से भी रिवर मिलती है. फॉरेस्ट की बात करें तो ट्रॉपिकल, टेम्परेट और एल्पाइन तीनों टाइप का वेजिटेशन आपको मिल जाएगा. कल हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, एक ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पे 4 बिग कैट स्पीशीज मिलते हैं. तो याद ही होगा नाम दफा के बारे में हम लोगों ने बात किया था. स्नो लेपर्ड मिलता है, क्लाउडेड लेपर्ड मिलता है, टाइगर मिलता है, ठीक है, और इसके अलावा क्या मिलता है उधर, सिंपल लेपर्ड जो होता है, ठीक है, वो मिलते हैं. इसके अलावा हिमालयन पाम सिवेट और हॉर्नबिल भी आपको देखने को मिलता है. तो दिस वॉज अबाउट द कामलांग टाइगर रिजर्व. फिर देखो असम, बुरा चपोड़ी, ठीक है, बुरा चपोरी, ये जब भी वर्ड चपोरी देखोगे ना, चार चपोरी, ये सब जो है असम के अंदर ही पड़ता है. तो बुरा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे राइनोज हैव रिटर्न टू दिस सेंचुरी आफ्टर 40 ईयर्स, ठीक है. तो ग्रेट वन हॉर्न राइनो जो है वो रिटर्न करा यहाँ पे. और ये जो बुरा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिस इज पार्ट ऑफ द लाओखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नोटिफाइड बफर ऑफ द काजीरंगा टाइगर रिजर्व. तो काजीरंगा टाइगर रिजर्व के पास ही पड़ता है. और अगेन ये भी एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है ऑफ द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल. आगे चलते हैं. अब क्योंकि असम में आ जाते हैं, अब असम थोड़ा सा प्लेन रीजन में, इसलिए ये एलुवियल ग्रासलैंड्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है. ये इस टाइप की वेजिटेशन आपको मिलेगी इस बुरा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़, लेमेरू एलिफेंट रिजर्व. तो ये याद रखना, लेमेरू एलिफेंट रिजर्व जो है छत्तीसगढ़ पड़ता है. रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में था ये. और यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिए गए हैं टू प्रिवेंट द ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट. मतलब यहाँ पे एलिफेंट जो थे उनका जो कन्फ्लिक्ट हो रहा था ह्यूमंस के साथ, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये एलिफेंट रिजर्व बनाया गया है, ठीक है. और साथ ही साथ जो एलिफेंट का जो मूवमेंट होता है फ्रॉम द ओडिशा एंड झारखंड रीजन, ठीक है, तो ये दोनों रीजन्स में जब एलिफेंट्स ट्रैवल करते हैं तो बीच में ये छत्तीसगढ़ का लेमेरू वाला जो एरिया था ये पड़ता था, तो इसलिए यहाँ पे एक एलिफेंट रिजर्व बना दिया ताकि ये ईजिली मूव कर सके. अब ये जो लेमेरू एलिफेंट रिजर्व है, दिस इज लोकेटेड अंडर द फॉरेस्ट ऑफ हसदेव अरण्य. अरण्य इज अ हिंदी वर्ड, इसका मतलब संस्कृत भी होता है आई थिंक, मतलब फॉरेस्ट ही होता है बेसिकली. सो हसदेव अरण्य याद रखना कहाँ पे पड़ता है, छत्तीसगढ़ में. दिस रीजन इज ऑल्सो रिच इन कोल डिपॉजिट. तो यहाँ पे क्योंकि बहुत डेंस फॉरेस्ट था और साथ साथ कोल डिपॉजिट्स भी थे, फॉर दैट रीजन इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लंग्स ऑफ द छत्तीसगढ़, ठीक है. और क्योंकि यहाँ पे रिच कोल डिपॉजिट से यहाँ पे ऑलरेडी कुछ कोल माइनिंग चल रही थी, अब आप उसको एक नोटिफाइड एरिया बना रहे हो, मतलब प्रोटेक्टेड एरिया बना रहे हो, तो उन जो कोल माइंस उनको डी नोटिफाई करना पड़ेगा. फॉर दैट रीजन
छत्तीसगढ़ ने रिक्वेस्ट किया मिनिस्ट्री ऑफ कोल को कि आप ये जो कोल माइंस हैं इनको डीनोटिफाई कर दो, मतलब इनको बंद कर दो, ठीक है। और आपको पता है क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपील गया? बिकॉज कोल इज अ मेजर मिनरल, ठीक है, ये बताना चाहिए। नेक्स्ट देखो झारखंड, पलमाऊ टाइगर रिजर्व। तो पलमाऊ टाइगर रिजर्व न्यूज़ में क्यों था वो काम का नहीं है, बट वॉट यू शुड नो इस कि क्या इसका लोकेशन है। तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू में पड़ता है, इट्स पार्ट ऑफ द बेतला नेशनल पार्क एंड पलमाऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो इन रीजन्स के अंदर पड़ता है, अगेन इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है। और यहाँ पर रिवर की बात करें तो नॉर्थ कोयल जो एक मेजर रिवर है वो पास करती है इसमें से। मिक्स्ड मिक्स्ड डेसिडियस टाइप का फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं मिजोरम में, डम्फा टाइगर रिजर्व, ठीक है। कल हम आप लोगों को पता भी होगा हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऐसे कौन से एरिया जहाँ पे कोई टाइगर रिजर्व, कोई टाइगर नहीं है, ठीक है। तो डम्फा टाइगर रिजर्व है, वहाँ पे एक भी टाइगर नहीं मिलता है, तो ये याद रखना है। और मिजोरम में है, यहाँ पे एक नया टोड स्पीशीज, टोड मतलब फ्रॉग मिला है, नाम क्या है? बुफोफाइडस भूपत्ति, ठीक है। और ये नाम भूपत्ति क्यों रखा है? बिकॉज ऑफ द फेमस इंडियन हर्पेटोलॉजिस्ट। हर्पेटोलॉजिस्ट मतलब वो पर्सन जो कि बेसिकली जो रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के बारे में नॉलेज रखता है, ठीक है, या उनमें एक्सपर्ट होता है, तो उनके रिस्पेक्ट में ये जो नाम है बुफोइडिस भूपत्ति ये रखा गया था ऑफ अ टोड। तो कई बार यूपीएससी ऐसे ना स्पीशीज के नाम पूछ लेता है, ठीक है, तो पता होना चाहिए क्या है ये। राइट, आगे चलते हैं। तो डम्फा टाइगर रिजर्व के बारे में बात कर लेते हैं, मिजोरम में लोकेटेड है और इट इज़ बाउंडेड बाय द चिटगोंग हिल्स ऑफ द बांग्लादेश। और फॉरेस्ट टाइप की बात करें तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन टू सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है यहाँ पे। हुलॉक गिबन, टाइगर लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, गोल्डन कैट, हिमालयन ब्लैक बियर टाइप की स्पीशीज भी मिलती हैं, ठीक है, ठेके? तो ये पता होना चाहिए। केरला के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे कादालुंडी वाली कुन्नू कम्युनिटी रिजर्व बना था, ठीक है। कम्युनिटी रिजर्व्स के बारे में बता सकते हो, व्हाट आर कम्युनिटी रिजर्व्स? तो कम्युनिटी रिजर्व बेसिकली कोई कम्युनिटी जो है वो बेसिकली साथ में आती है और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती है कि यहाँ पे कोई स्पीशीज है जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप इस एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर करो, तो उसे कम्युनिटी रिजर्व बोलते हैं, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे कम्युनिटी रिजर्व जो है ये ऐसी लैंड के ऊपर बनाया जाता है जहाँ पे लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। तो इट्स अ प्रोटेक्टेड एरिया विच कम्स अंडर द WPA एक्ट ऑफ, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके अंदर हम इसे डिक्लेयर कर सकते हैं। और अभी ये जो अमेंडेड एक्ट है, ठीक है, 2022 लिखना चाह रहे थे यहाँ पे, तो उसके अंदर पहला कम्युनिटी रिजर्व हम लोगों ने इसके अंदर डिक्लेयर किया है। दिस विल एक्ट एज अ बफर जोन और एज कॉरिडोर बिटवीन एस्टैब्लिश्ड नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रिजर्वॉयर्स एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है। सो याद रखना बेसिकली ये जो है कंजर्वेशन एरिया हम डिक्लेयर कर सकते हैं इफ़ दे आर अनहैबिटेड एंड कम्प्लीटली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये वाले कम्युनिटी रिजर्व होता है ये हमेशा उन्हीं एरियाज में डिक्लेयर किया जा सकता है जहाँ पे लैंड जो है वो गवर्नमेंट की है। इसके अलावा एक और कंजर्वेशन होता है विच इज़ कॉल्ड द कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। कंजर्वेशन रिजर्व हम प्राइवेट ओन्ड लैंड के ऊपर भी डिक्लेयर कर सकते हैं लेकिन वो जो लैंड होगी वो प्राइवेट रहेगी फिर भी, ठीक है, याद रखना यही डिफरेंस है। कम्युनिटी रिजर्व में गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे ही डिक्लेयर करती है, यानी कम्युनिटी प्रॉपर्टी, ठीक है, जो किसी की नहीं होती वो कम्युनिटी प्रॉपर्टी होती है और वो जनरली कौन मैनेज करता है? तो गवर्नमेंट मैनेज करती है। तो याद रखना कम्युनिटी रिजर्व के अंदर गवर्नमेंट ओन्ड प्रॉपर्टी होगी और उसी को डिक्लेयर किया जाएगा, बट कंजर्वेशन रिजर्व में प्राइवेट लैंड हो सकता है और वो डिक्लेयर करने के बावजूद भी प्राइवेट लैंड ही रहेगा, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। ऐसे एरियाज में एग्रीकल्चर और हंटिंग इज प्रोहिबिटेड, कलेक्शन ऑफ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इज अलाउड। इनफैक्ट यही क्वेश्चन यूपीएससी ने आई थिंक 2023 के अंदर पूछ लिया था, क्वेश्चन देख लो, आई थिंक यही स्टेटमेंट थी इसकी, ठीक है। ये देखो क्या क्या स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द कम्युनिटी रिजर्व। तो जैसे पहला स्टेटमेंट था चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम्स द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ सच फॉरेस्ट। नेक्स्ट, हंटिंग इज नॉट अलाउड इन सच एरियाज। थर्ड था पीपल ऑफ सच एरियाज आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। फोर्थ था पीपल ऑफ सच एरियाज आर अलाउड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो इसमें फोर्थ वाला नहीं था, बाकी तीन स्टेटमेंट वर करेक्ट, सो आंसर ओनली थ्री था, ठीक है। तो इस टाइप से
डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और ये वाला जो चीज सर, हम लोग फोर्थ स्टेटमेंट कंजर्वेशन रिजर्व के लिए करेक्ट होगा क्या? फोर्थ वाला स्टेटमेंट, पीपल ऑफ सच एरियाज आर अलाउड ट्रेडिशनल, हाँ वहाँ पे वो कर सकते हैं कल्टिवेशन। जब कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें तो ये प्राइवेट लैंड है, प्राइवेट लैंड पे आप जो काम कर रहे हो उसको रोक नहीं सकते, ठीक है? सो सेंस में एग्रीकल्चर अलाउड है वहाँ पे, क्लियर? ओके सर, ओके राइट। फिर आगे देख लो, ये जो कम्युनिटी रिजर्व बना है, दिस इज कंस्ट्रक्टेड, यहाँ पे बाजू में जो रिवर निकलती है काला लुंदी नाम से रिवर निकलती है, कादा लुंदी नाम से रिवर निकलती है। फॉरेस्ट टाइप की बात करें तो मैंग्रोव है, ठीक है? तो ये याद रख लेना, राइट? सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू कीप एन आई अपॉन, ठीक है? फिर अभी के लिए यहीं पे एंड करते हैं, राइट? टुमारो विल स्टार्ट विद द उड़ीसा वाला पार्ट, ठीक है? अभी तक जो पढ़ा उसमें कोई एडिशन, कोई डाउट? बोले गाइस, तो अभी के लिए एंड करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गाइस, बाय बाय।